वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी किसी बोतल या जार पर अपना लेबल प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे। हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। आप अपने प्रोडक्ट के साइज का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिएगा। हमें अंदाजे से ड्रॉ करना है, हम बाद में इसको एडजस्ट करेंगे। मैं यहाँ क्लिक करते हुए इसका कलर व्हाइट चूज़ करूँगा और इस पैनल को यहाँ से बंद कर देते हैं। अब हम इसी लेयर पे राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद हमें इस पर एडजस्ट करना है। इसके लिए मुझे इसकी ओपेसिटी कम करनी होगी। ये देखिए, यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी 50% कर देता हूँ। इससे हमें पीछे वाला प्रोडक्ट दिखेगा और हम आसानी से इस पर एडजस्ट कर सकेंगे। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इस तरह से रोटेट करेंगे। आप अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक इसको रोटेट कर लीजिएगा या जिस तरह भी आप रखना चाहते हैं। ये देखिए, इस तरह करने के बाद मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अब मुझे इन कॉर्नर्स को भी एडजस्ट करना है। इसके लिए मैं इस कॉर्नर पे अपने कर्जर को रखते हुए ये देखिए कंट्रोल प्रेस करता हूँ। मेरा कर्जर चेंज हो चुका है और मैं इस तरह से इसको ड्रैग करते हुए कॉर्नर्स को मिलाऊँगा। इसी तरह ये देखिए, नीचे से भी देखेंगे। इसी तरह हम चारों कॉर्नर्स को मिला देंगे, एग्जैक्ट शेप देंगे इसकी बोतल के ऊपर। इस तरह से इसको एडजस्ट करने के बाद अब आप इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और यूज़ करेंगे वॉप। आप अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई कर्व्स हैं तो आप ये देखिए वॉप यूज़ करते हुए इन हैंडल्स की मदद से आप इसको और अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं जूम इन करता हूँ, ये देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाऊँगा, यूँ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हम इसकी ओपेसिटी वापस 100% करेंगे और इसी स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करते हुए हम इसके अंदर आ जाएंगे। अब आप अपना वो वाला डिज़ाइन ओपन कर लीजिएगा जो वाला डिज़ाइन आप इस पर प्लेस करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला पहले से ओपन है, ये देखिए। इसको ओपन करने के बाद मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, सिलेक्ट ऑल करेंगे इसको, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसी रेक्टेंगल के स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आएंगे और कंट्रोल वी करते हुए मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद आप कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा और इसको आप एडजस्ट कर लीजिए जितना भी आप रखना चाहते हैं। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ रखता हूँ, सेंट्रलाइज करेंगे इस तरह से और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हमें इस फाइल को सेव करना है जो कि हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओपन है इस वक्त। मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। अब हम वापस उसी फाइल में जाते हैं। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं हमारा वो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। आप नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। ब्लेंडिंग मोड चेंज करते ही आप देख सकते हैं उसने जो व्हाइट कलर था इसमें ब्लेंड कर दिया। लेकिन इस एरिया में आप देख सकते हैं जिस एरिया में टेक्स्ट था उस एरिया में हमारा जो हाथ है जो बोतल के ऊपर वो हमारा पीछे आ रहा है। इसको हम ठीक करेंगे। इसके लिए आप इसी लेयर को सिलेक्ट रखिएगा जो कि लेबल वाली लेयर है और यहाँ से हम एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। लेयर मास्क ऐड करने के बाद इस वाली लेयर को हम फिलहाल के लिए हाइड कर देंगे और इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे जो कि बोतल वाली लेयर है। अब हम यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे या आप किसी भी टूल से इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं। मैं जूम इन कर लेता हूँ और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे। अब हम इस वाले एरिया का इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे। ये देखिए, हमें सिर्फ बोतल के ऊपर वाले पार्ट की सिलेक्शन बनानी है। जितनी ये मैंने बना दी है ये देख सकते हैं आप। ये सिलेक्शन बनाने के बाद हम ऊपर वाली लेयर को फिर से अनहाइड करेंगे और इसके मास्क को सिलेक्ट रखते हुए, ये देखिए इस वाले थंबनेल को सिलेक्ट रखना है आपने। मास्क को सिलेक्ट रखते हुए इसमें हम ब्लैक कलर फिल करेंगे जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, इसमें ब्लैक कलर फिल करूँगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने मास्क में ब्लैक कलर फिल किया आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ आपको प्रीव्यू भी दिख रहा होगा, उसने इस एरिया को मास्क कर दिया है। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जीरो प्रेस करते हुए हम इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा लेबल बोतल पे परफेक्टली प्लेस हो चुका है। ये देखिए, मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। इस तरह इन स्टेप्स पे अमल करते हुए आप भी बहुत आसानी से अपने किसी भी लेबल, लोगो या टेक्स्ट को किसी भी बोतल या जार पर इजीली प्लेस कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।